हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों, आज है आपका 28 अप्रैल, तो आज के दिन में आपका जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपके सभी सामने लाया हूँ। तो ध्यान से देखेंगे टॉपिक को शुरू करने से पहले, यानी कि क्वेश्चन को आपको दिखाने से पहले कल के करंट अफेयर में आपको रिविजन करा देता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे बोर्ड पर। कल मैंने आपको बताया था हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है मेरे दोस्त? मोहम्मद साहबुद्दीन। किसे चुना गया है? ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, किसे चुना गया है? तो मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। किसे चुना गया मेरे दोस्त? तो मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले कौन रह चुके थे मेरे दोस्त? इससे पहले थे अब्दुल हामिद। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से क्रम का मैंने आपको बताया था? तो 22वें क्रम का बताया था, यानी कि 22वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू। कौन से क्रम के बने मेरे दोस्त? तो 22वें क्रम के बने हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर बच्चे मैंने आपको बताया था रामचंद्र पौंडेल कहाँ के बने हैं? तो ये नेपाल के बने हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बताया था बोला टिंबू ये कहाँ के बने हैं? तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, क्या बताया था? हाल ही में रतन टाटा को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो किस देश का प्राप्त हुआ है मेरे दोस्त? वो प्राप्त हुआ है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान। कौन सा सम्मान है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त हुआ है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? कौन सी आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगी? मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, कौन सी आईआईटी है जो तंजानिया में जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगी मेरे दोस्त? वो है आईआईटी मद्रास। कौन सा है मेरे दोस्त? वह है आईआईटी मद्रास। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने क्या बताया था आपको? हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? यानी कि ग्लोबल जो है वर्ल्ड मिलिट्री आर्मी जो है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है मेरे दोस्त? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ये चीज मैंने आपको कल बताया था, अमेरिका जो है मेरे दोस्त शीर्ष पर रहा है, यानी कि मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा किसने खर्च किया है? अमेरिका ने खर्च किया है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था चीन ने किया है मेरे दोस्त, और तीसरे नंबर पर रूस ने, और भारत का कौन सा स्थान है मेरे दोस्त? तो भारत का चौथा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है, भारत का चौथा स्थान है। अगर बात करें मेरे दोस्त सिप्री द्वारा एक जारी रिपोर्ट और मैंने आपको बताया था, जिसमें बताया था मेरे दोस्त सबसे ज्यादा हथियार आयातित करने वाला देश कौन सा बना है, यानी कि यानी कि अपने देश में सबसे ज्यादा हथियार जो है मंगाने वाला देश कौन सा बना है मेरे दोस्त? फर्स्ट नंबर पे आपका भारत देश जो है ये फर्स्ट नंबर पे है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने वाली है? तो कौन सी कंपनी है मेरे दोस्त? बेल्जियम देश की कंपनी है मेरे दोस्त। कंपनी का नाम क्या है? वीटी। कंपनी का नाम क्या है मेरे दोस्त? कंपनी का नाम है वीटी, जो कि अयोध्या में, कहाँ पे? अयोध्या में अपनी कंपनी शुरू करेगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने बताया था आपको हाल ही में किस भारतीय फैशन ब्रांड ने केले से बने हैंड बैग की रेंज लॉन्च की है मेरे दोस्त? तो एक ब्रांड है फैशन, भारत का फैशन ब्रांड कौन सा है? रस्की। रस्की फैशन ब्रांड है मेरे दोस्त, जो कि कौन सा? केले से बने हैंडबैग, यानी कि जो केले का छिलका होता है, जो केले का चमड़ा होता है, आपने केले का पेड़ देखा होगा, जो केले का चमड़ा होता है, केले के चमड़े से मेरे दोस्त हैंडबैग बनाने का काम कौन करेगा? हैंडबैग बनाने का काम कौन करेगा मेरे दोस्त? वो करेगा रस्की। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत का Y20 यानी कि यूथ 20 प्री समिट किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा मेरे दोस्त? किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, लद्दाख के लेह शहर में आयोजित किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हाल ही में कैनेडियन कंपनी जाइपेक्स ने भारत में पहला उत्पादन प्लांट किस स्थान से शुरू करने की घोषणा की है? यानी कि कनाडा की एक कंपनी बताया था मेरे दोस्त, कनाडा की एक कंपनी है, कनाडा की कंपनी है मेरे दोस्त,
कनाडा की कंपनी कौन सी है? जाइपेक्स कंपनी है। कौन सी है? जाइपेक्स जो है फिलहाल में एक प्लांट शुरू करेगा। कहाँ पे शुरू करेगा मेरे दोस्त? नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू करने वाला है। कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू करने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं मेरे दोस्त? तो सबसे युवा गेंदबाज बने हैं पाकिस्तान के सईन अफरीदी। कौन बने हैं मेरे दोस्त? पाकिस्तान के सईन अफरीदी बने हैं T20 में 200 विकेट लेने वाले। T20 में मेरे दोस्त, T20 में 200 विकेट लेने वाले, 200 विकेट लेने वाले युवा गेंदबाज, सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? सईन अफरीदी बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कागिसो रबाडा थे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त, इसी में मैंने आपको एक चीज और बताया था मेरे दोस्त, जो है T20 में सबसे तेज, T20 में सबसे तेज जो है, सबसे तेज जो है 7,000 रन बनाने वाले, कितने? 7,000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन बने हैं? तो KL राहुल बने हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, KL राहुल बने हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि नैसकॉम कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया मेरे दोस्त? तो अनंत माहेश्वरी को चुना गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, किसे चुना गया मेरे दोस्त? अनंत माहेश्वरी को चुना गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं मेरे दोस्त आज के दैनिक समसायकी में, यानी कि आज आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके सामने ले लेकर के आया हूँ। इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की है? यानी कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है मेरे दोस्त? वह शुरू किया गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा शुरू किया गया है मेरे दोस्त, स्मृति ईरानी जी के द्वारा शुरू किया गया महिला सम्मान बचत पत्र योजना। क्या शुरू किया गया मेरे दोस्त? महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू किया गया, महिला सम्मान जो है बचत पत्र योजना शुरू किया गया। बचत पत्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? स्मृति ईरानी जी के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था मेरे दोस्त शुरू करने का? इसका उद्देश्य ये था मेरे दोस्त, जो निवेश है, यानी कि जो महिला जो है, महिला जो है निवेश को बढ़ावा देना, महिला जो है महिलाओं के द्वारा निवेश को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना मेरे दोस्त इसका उद्देश्य है। निवेश क्या होता है मेरे दोस्त? निवेश मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आप, अगर आपके पास पैसे की बचत होती है, आप उस पैसे का यूज ऐसी जगह करें मेरे दोस्त, उस पैसे का जो आप यूज है, पैसे का यूज आप ऐसी जगह करें, यानी आपके पास जो मनी है, जो रुपया है आपके पास, उसका यूज ऐसी जगह करें जहां से आपको रिटर्न मिले। क्या मिले मेरे दोस्त? जहां से आपको रिटर्न मिले, यानी उसे निवेश कहते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो महिला जो है निवेश में योगदान दें, यानी कि महिला जो है निवेश में बढ़ावा दे, इसके लिए इसकी चीज को शुरुआत की गई है। देखेंगे इसके अंदर क्या है, संसद मार्ग प्रधान जो है डाकघर में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, यानी स्मृति ईरानी कौन है मेरे दोस्त? महिला एवं बाल विकास मंत्री है इसी स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खोला। इस चीज को ध्यान में रखना है। मंत्रालय कौन सा है? अगर पैसे से रिलेटेड संबंधित बात है तो वित्त मंत्रालय होगा मेरे दोस्त। लॉन्चिंग वर्ष कौन सी है? लॉन्चिंग वर्ष यानी कि 2023 में इसे लॉन्च किया गया है। कार्यान्वयन निकाय कौन करने वाला है, यानी कि कार्य कौन करने वाला है? बैंक और डाकघर में ये चीज होने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य क्या था मेरे दोस्त? महिलाओं के बीच जो है निवेश को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लाभार्थी कौन है? लाभार्थी सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखा है? यानी कि एक पुस्तक लिखा गया है मेरे दोस्त, स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज नामक एक पुस्तक लिखा गया है, या किसके द्वारा लिखा गया है, या किसके द्वारा लिखा गया है मेरे दोस्त? या लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है मेरे दोस्त? यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यह कैसी बुक है? यह एक नॉन फिक्शन बुक है। कैसी बुक है मेरे दोस्त? यह एक नॉन फिक्शन बुक है मेरे दोस्त। कैसी बुक है? नॉन फिक्शन बुक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसकी लॉन्च कब होगा मेरे दोस्त? लॉन्च कब होगा ये? लॉन्च कब होगा? अगर लॉन्च की बात करें, लॉन्च कब होगा मेरे दोस्त ये? लॉन्च कब होगा ये? लॉन्च कब होगा ये? लॉन्च होगा आपका जुलाई, जुलाई 2023 में आपका ये लॉन्च होने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लॉन्च कब होगा मेरे दोस्त? तो जुलाई 2023 में ये लॉन्च होने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखा गया है? तो अमिताभ घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
के अंदर देखेंगे मेरे दोस्त, इस पुस्तक में जो है, पुस्तक के अंदर क्या है मेरे दोस्त, इसमें आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है और अफीम के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के गहन अध्ययन का संयोजन है। यानी कि जो है पुस्तक है मेरे दोस्त, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर क्या बताया गया है, इस पुस्तक के अंदर मेरे दोस्त यात्रा वृत्तांत का वर्णन है, यात्रा वृत्तांत का वर्णन है, यानी कि जो यात्राएं की गई है, यानी कि जो यात्राएं की गई हैं किसके द्वारा, यानी कि जो लेखक के द्वारा यात्राएं की गई हैं उसके बारे में वर्णन है, लेखक के आत्मकथा का वर्णन है, लेखक के आत्मकथा का वर्णन है इसमें। और जो अफीम होता है मेरे दोस्त, अफीम आप सभी जानते होंगे, जो अफीम है उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के गहन अध्ययन का संयोजन किसमें है, इस बुक के अंदर लिखा गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। समग्र रूप से स्मोक एंड एसेज जो है इतिहास और सम्मान पर, समाज पर अफीम के छिपे हुए और अक्सर अनदेखे पहलुओं का पता लगाती है। यानी कि जो अफीम है मेरे दोस्त, इसका समाज पर और इतिहास में कैसा असर है, यानी कि इसके अंदर कैसा है अनदेखे जो पहलुए हैं उसके बारे में किसके बताया गया है, इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें मेरे दोस्त हैं, यानी कि अमिताभ घोष को 2019 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले ये जो है पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। यानी कि अगर बात करें अमिताभ घोष की, तो जो है 2019 में मेरे दोस्त भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, साहित्यिक सम्मान की बात करें मेरे दोस्त, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले व्यक्ति हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। यह पुस्तक जो है जुलाई 2023 में लॉन्च होगा, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें मेरे दोस्त, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दीपावली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई, अमेरिका के किस राज्य में दोस्त दीपावली की छुट्टी घोषित की गई, यह अपने आप में बड़ी बात है मेरे दोस्त कि कोई दूसरा देश जो है हिंदू के पर्व दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित कर रहा है, यह अपने लिए गर्व की बात है। यानी कौन सा राज्य बना है मेरे दोस्त, तो पेंसिल्वेनिया में मेरे दोस्त यह छुट्टी घोषित किया गया है। अमेरिका का राज्य है कौन सा, पेंसिल्वेनिया अमेरिका का राज्य है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, पेंसिल्वेनिया का एक राज्य है अमेरिका का। अगर बात करें अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने हिंदू त्योहार दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है, सीनेटर निखिल सावल ने, यानी कि यहाँ के जो सीनेटर है मेरे दोस्त, सीनेटर एक है निखिल सावल ने 26 अप्रैल 2023 को ट्वीट करके यह जानकारी दी है। अगर बात करें सीनेटर क्या है, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में संसद होता है, वैसे अमेरिका में क्या होता है मेरे दोस्त, अमेरिका में कांग्रेस है। यानी कि वहाँ के संसद का नाम क्या है, वहाँ के संसद का नाम है कांग्रेस। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें मेरे दोस्त, जैसे हमारे यहाँ पे उच्च सदन निम्न सदन होता है, वैसे यहाँ पे भी उच्च सदन और निम्न सदन होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर निम्न सदन की बात करें तो यहाँ पे प्रतिनिधि होते हैं मेरे दोस्त, कौन होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर उच्च सदन की बात करें मेरे दोस्त, यहाँ पे होते हैं सीनेट, यहाँ पे कौन बैठते हैं मेरे दोस्त, सीनेट है यहाँ का। उच्च सदन क्या है, उच्च सदन का नाम है सीनेट और निम्न सदन को कहते हैं प्रतिनिधि। अगर सीनेट की बात करें मेरे दोस्त, जो सीनेट के सदस्य हैं इन्हें ही कहा जाता है सीनेटर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको सीनेटर शब्द समझ में आया होगा। अमेरिका की राजधानी की बात करें मेरे दोस्त, तो है वाशिंगटन डीसी, और मुद्रा की बात करें तो अमेरिकन डॉलर। अगर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की बात करें तो है आपके जो बाइडेन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त क्या है, भारत जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन से स्थान पर है। अगर बात करें मेरे दोस्त, हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो इसमें भारत है मेरे दोस्त 38वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है मेरे दोस्त, यह भारत जो है 38वें स्थान पर है। अगर बात करें इससे पहले 2018 में यह सूचकांक जारी किया गया था, उसमें भारत कौन से स्थान पे था, तो उसमें भारत जो है मेरे दोस्त 44वें स्थान पे था। उसमें भारत जो है 44वें स्थान पे था। यानी कि इस बार जो है 2023 में जो लॉन्च किया गया है, यानी कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 6 अंक ऊपर बढ़ के यानी कि 38वें स्थान पे आ गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें मेरे दोस्त लॉजिस्टिक क्या होता है,
लॉजिस्टिक क्या होता है मेरे दोस्त? जैसे आपने एक नाम सुना होगा ई कार्ट लॉजिस्टिक का, यानी कि जो आपका सामान जो है इधर से उधर ले जाने के लिए काम करते हैं। अगर बात करें मेरे दोस्त किसकी, लॉजिस्टिक की बात करें, किसकी लॉजिस्टिक की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें, या क्या करते हैं, सेवा का आदान प्रदान करते हैं, सेवा का आदान प्रदान, सेवा जो है सेवा आपको देते हैं, सामान आपको पहुंचाते हैं, सामान आपको पहुंचाते हैं। यानी कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई सामान आपने मंगवाया, सामान कहाँ से आ रहा है आपका, सामान आ रहा है मेरे दोस्त यहाँ से, सामान आपका मान लीजिए ए है, यहाँ से आपका सामान आ रहा है आपका बी है, जो ये आपका बी जो है ये आपका घर है, आपका सामान यहाँ तक आना है, तो लॉजिस्टिक क्या करते हैं मेरे दोस्त, आपका सामान जो है यहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं, या फिर देखेंगे मेरे दोस्त, या फिर आपके लिए सेवा पहुँचाते हैं, कौन आपके लॉजिस्टिक जो है सेवा पहुँचाते हैं। यानी कि ये जो लॉजिस्टिक है मेरे दोस्त, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में क्या होता है कि इन जो सेवाएं हैं इन्हें जल्दी पहुँचाने के कारण, जल्दी पहुँचाने के लिए, जल्दी पहुँचाने में काम कौन आता है, यानी कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सेवाएं जो जो जितनी जल्दी पहुंचाता है उसके हिसाब से रैंक जो है ऊपर आता है। तो उसमें भारत का रैंक कौन सा है, 38 नंबर का है। पहले नंबर पे कौन है मेरे दोस्त, पहले नंबर की अगर बात करें, फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने आपको बताया भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में 6 स्थान की बढ़त दर्ज की है, जो अब भारत में 139 देशों के सूचकांक में 38वें नंबर पे है। यानी कि अगर भारत की बात करें मेरे दोस्त, 139 में से 38वें रैंक पे है कौन, भारत जो है 139 देशों में से 38वें रैंक पे है भारत। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने अक्टूबर 2021 में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान घोषित किया था। प्लान क्या था, गति शक्ति पहल। प्लान क्या था मेरे दोस्त, गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। और 2022 में मेरे दोस्त राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरू की थी, जिसका मकसद जो है तेजी से सामान पहुंचाना, परिवहन संबंधी चुनौती को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय धन को बचाना था। यानी कि टोटल मेरे दोस्त इसमें बात किसकी कही गई है, तेजी से सामान पहुंचाने की, तेजी से सामान पहुंचाने की बात किसमें की गई है, लॉजिस्टिक में, ठीक है। तेजी से सामान पहुंचाना है और परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना है मेरे दोस्त। इसका मतलब ये है जो ट्रैफिक वगैरह लग जाते हैं उस ट्रैफिक को खत्म करके, जब ट्रैफिक खत्म होगा मेरे दोस्त क्या होगा, जब ट्रैफिक खत्म होगा तभी आपका जो है सामान जो है जल्दी से पहुंच पाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बात करें लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत जो है 38वें नंबर पे है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के सीईओ कौन बने हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं मेरे दोस्त, वो बने हैं हरिहर मिश्रा। कौन बने हैं मेरे दोस्त, वह बने हैं हरिहर मिश्रा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, अगर बात करें मेरे दोस्त एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होते हैं मेरे दोस्त यह क्या काम करते हैं, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होते हैं मेरे दोस्त, कंपनी जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी मेरे दोस्त, जो कंपनियों को अगर जरूरत होता है अपनी कंपनियों को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी खड़ी करनी है, ठीक है, आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है, तो क्या गए आप गए, आप किसके पास गए मेरे दोस्त, आप गए एक बैंक के पास में, आप गए लोन लेने के लिए बैंक में, बैंक के पास गए हैं, किसके पास गए मेरे दोस्त, बैंक के पास गए हैं। बैंक ने आपको क्या दिया, बैंक ने आपको लोन दिया, बोला मैं लोन तो दे रहा हूँ लेकिन इसके बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए, मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, अपनी एसेट, एसेट मतलब होता है यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात होती है प्रॉपर्टी की, किसकी बात होती है, एसेट की बात होती है, मूल्यवान चीजों की बात होती है। जैसे गोल्ड आपका हो गया, क्या हो गया, गोल्ड हो गया आपका, या फिर आपका घर के कागज हो गए, क्या हो गए मेरे दोस्त, आपकी प्रॉपर्टी हो गए, घर की प्रॉपर्टी के कागज हो गए, ये सब जमा करवा लेती है कौन, बैंक जमा करवा लेती है इसके बदले में। अब क्या होता है मेरे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने लोन ले लिया, कई बार ऐसा होता है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो लोन देते ही नहीं है, वो जानबूझ के लोन नहीं देते हैं, जानबूझ के नहीं लोन देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई लोग जानबूझ के लोन नहीं दे पाते हैं और कई लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त जो लोन देने में असमर्थ रहते हैं, तो इस कारण लोन नहीं दे पाते हैं। उस कारण में क्या होता है मेरे दोस्त, जब देखती है बैंक जो है, जब बैंक ये देखती है
कि दो मैक्सिमम 3 साल तक चेक करती है मेरे दोस्त कि हम इससे पैसा ले पा रहे हैं वापस नहीं ले पा रहे हैं, 3 साल तक चेक करती है। अगर 3 साल तक नहीं चेक हो पाती है, पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं बैंक इनसे, तो हो जाता है क्या, एनपीए में चला जाता है वो। किसमें चला जाता है, एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। किसमें चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है वो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर वो चीजें चला जाता है। यानी कि बैंक पूरी तरह से हार मान लेता है कि अब हम इनसे पैसे नहीं निकलवा पाएंगे। उस टाइम पे कौन आता है मेरे दोस्त, उस टाइम पे आपका आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कौन आता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आता है और बैंक से बोलता है कि आपका जो आपका पैसा है वो हम चुकाएंगे, इसके बदले में क्या चाहिए मुझे, इसके बदले में जो आपने प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी ली है, यानी कि बैंक या तो इसके पास जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आएगी बैंक के पास में। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं, इस चीज को समझेंगे। अगर बैंक जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, या बैंक या एसेट कंपनी आती है बैंक के पास में, तो क्या होता है मेरे दोस्त, ये लेती है प्रॉपर्टी। क्या लेती है, ये प्रॉपर्टी के कागज लेती है और बोलते हैं आपका पैसा, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए उधार लिया था लोन से, यानी कि बैंक से आपने 1,000 लोन लिया था, तो अब कंपनी जो है यानी कि बैंक जो है प्रॉपर्टी के कागज किसे देगा, इस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को देगा। और जो है कागज है मेरे दोस्त, ये कागज जो है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ले लेगी और बोलेगी इसके बदले में पैसा जितना आपने दिया था वो उतना हम देंगे, लेकिन उसमें हमारा प्रॉफिट क्या होगा, उसमें हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तो बैंक बोलती है ठीक है काम करो, तुम 800 रुपये मुझे दे दो, तुम 800 रुपये मुझे दे दो, 200 रुपये रख लो। ठीक है मेरे दोस्त, 800 रुपये मुझे दे दो, 200 रुपये रख लो। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक सोचता है कि मेरा 1,000 रुपये घाटा जाने से अच्छा है कि हम 200 रुपये का घाटा सह लें और क्या हो जाए, 800 रुपये हमारा एटलीस्ट निकल जाए। तो उससे क्या होता है कि इनका जो सीट होता है, सीट जर्नी जो होता है वो मेंटेन हो जाता है, और इनका जो है पैसे भी नहीं मिल जाता है 200 रुपये का घाटा सह के। और ये यानी कि जो प्रॉपर्टी के कागज कौन ले लेता है, ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है प्रॉपर्टी के कागज ले लेते हैं। अब उसके बाद जो है मेरे दोस्त, ये जो 1,000 रुपये का कागज है, यानी कि जो बैंक ने 1,000 रुपये लोन दिए थे, उसके बदले में इन्होंने जो प्रॉपर्टी के कागज लिए थे, यानी कि इस कंपनी के पास क्या आ गए, प्रॉपर्टी पेपर आ गए। अब इस प्रॉपर्टी पेपर को वो क्या करेगा, चाहे वो 1,000 रुपये के नीचे बेचे, चाहे 1,000 रुपये से अधिक बेचे, कितना, चाहे वो 1,000 के अधिक बेचे, चाहे वो 1,000 नीचे बेचे, इसमें बैंक का कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। यानी कि अगर ये कंपनी है मेरे दोस्त, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंपनी काम करती है हमेशा प्रॉफिट के लिए, तो क्या करेगा, ये जो पेपर है मेरे दोस्त, इसको क्या करेगा, हमेशा जो है हमेशा मेरे दोस्त, यह हमेशा प्रॉफिट में अपने बेचेगा। यानी कि यहाँ से भी पैसे कमा रहा है, यहाँ से भी पैसे कमा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 800 रुपये में इसने दिए और यहाँ पे मान लीजिए 1,200 में बेचता है, 1,200 रुपये में इस चीज़ को बेचता है या फिर नीलामी करता है, तो इसे क्या होता है, इन्हें प्रॉफिट होता है। इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे क्या होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, किस तरीके से ये काम करते हैं बैंक के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ कौन बने हैं, तो हरिहर मिश्रा बने हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्त, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है, यानी कि मेरे दोस्त कौन सी ऐसी कंपनी है जो नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिल गया है उसे। यानी कि मेरे दोस्त आप सभी को पता है जो कंपनियां होती है मेरे दोस्त वो 3 प्रकार से बटी होती है। कितनी प्रकार से बटी होती है मेरे दोस्त, कंपनी जो होती है मेरे दोस्त वो 3 प्रकार के सेक्टर में बटी होती है। एक तो आपका होता है मिनी रत्न, दूसरा होता है आपका नवरत्न, तो तीसरा होता है आपका महारत्न, तीसरा आपका होता है मेरे दोस्त महारत्न होता है तीसरा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो नवरत्न में शामिल हो गई है। नवरत्न में कौन सी कंपनी शामिल हुई है मेरे दोस्त, तो रेल विकास नगर लिमिटेड जो है मेरे दोस्त, यह किस में शामिल हो गई है, यह नवरत्न कंपनी में शामिल हो गई है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर महारत्न कंपनी की बात करें दोस्त, ये इसमें टोटल है 12, और नवरत्न की बात करें तो इसमें हो गया है टोटल 13। अगर मिनी रत्न की बात करें मेरे दोस्त कि कितनी कंपनी है, 70 से अधिक कंपनी है टोटल, अगर बात करें तो 73 कंपनी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मिनी रत्न कितनी है, 70 से अधिक कंपनियां हैं मिनी रत्न की, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मेरे दोस्त इस नवरत्न कंपनी बनने के लिए कुछ कैटेगरी भी होता है, यानी कि कुछ कंडीशन जो होते हैं उसे फॉलो करने के बाद ही आप नवरत्न कंपनी बन सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर बात करें दोस्त मिनी रत्न की, तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपका 3 से 5 साल में आपकी जो कंपनी है लगातार प्रॉफिट में होनी चाहिए,
लगातार मेरे दोस्त किसमें होनी चाहिए, प्रॉफिट में होनी चाहिए। 3 से 5 साल में जो आपकी कंपनी है, अगर 3 से 5 साल में लगातार प्रॉफिट में है मेरे दोस्त, 3 से 5 साल तक आपका लगातार प्रॉफिट में है और आपका जो एसेट है मेरे दोस्त, एसेट है जो वह मेरे दोस्त, वो आपका किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी कि निगेटिव में नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी आपका एसेट पॉजिटिव में होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपकी कंपनी किसमें आ जाती है, मिनी रत्न में होती है। इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं मेरे दोस्त, एक तो होता है मिनी रत्न श्रेणी वन होती है, और दूसरा कौन सा होता है, मिनी रत्न श्रेणी टू। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नवरत्न बनने के लिए क्या होता है मेरे दोस्त, नवरत्न बनने के लिए एक तो आपकी कंपनी जो है 3 से 5 साल जो है लगातार प्रॉफिट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉफिट में होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, आपकी कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, और क्या होना चाहिए इसमें, होना चाहिए मेरे दोस्त आपका कि जो आपका पर शेयर प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि पर शेयर आपका निगेटिव यानी कि लॉस में नहीं होना चाहिए, पर शेयर आपका प्रॉफिट में होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मेरे दोस्त और नवरत्न बनने के लिए आपकी कंपनी को मिनी रत्न में होना जरूरी है, यानी कि आपकी कंपनी पहले से मिनी रत्न होगी तभी आपकी कंपनी जो है नवरत्न बन सकती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो नवरत्न कंपनी हाल ही में कौन बनी है मेरे दोस्त, रेल विकास नगर लिमिटेड, यह नवरत्न कंपनी बन गई है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें मेरे दोस्त महारत्न की, तो इसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है मेरे दोस्त पहले से नवरत्न में शामिल होना चाहिए, किसमें शामिल होना चाहिए, नवरत्न में पहले से शामिल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है मेरे दोस्त, शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहिए, और उसी के साथ साथ मेरे दोस्त कुछ शेयर जो है आम जनता के पास भी होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर बात करें मेरे दोस्त टर्नओवर जो है 3 से 5 सालों में कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, कितना, 25,000 करोड़ रुपए कितना होना चाहिए, 3 साल में टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। और क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, ऊपर लिख दे रहा हूँ, और क्या होना चाहिए, नेटवर्थ की बात करें तो 3 साल में जो है 15,000 करोड़ रुपए नेटवर्थ होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और प्रॉफिट की बात करें मेरे दोस्त, किसकी प्रॉफिट की बात करें, तो 3 साल में मेरे दोस्त तो 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट भी होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, किसमें होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपकी कंपनी महारत्न बन जाएगी और बनी रहती है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। और ध्यान रखेंगे महारत्न के बाद जो है तो आपकी कंपनी महारत्न तक सीमित रहेगी, इसके ऊपर कोई भी बड़ी उपाधि नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आपकी कंपनी सबसे छोटी मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न तक जा सकती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, क्या होता है मिनी रत्न, क्या होता है, कैसे बनती है कंपनी नवरत्न और कैसे बनती है महारत्न। इस चीज को आपको उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त, नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी विकास निगम लिमिटेड जो है को मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया मेरे दोस्त, पहले मिनी रत्न होना चाहिए फिर उसके बाद नवरत्न बनते हैं, तो क्या हुआ है, ये मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा इसने प्राप्त कर लिया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और क्या है मेरे दोस्त, और जो ये है रेल मंत्रालय के तहत जो कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है, कैसी है, मिड कैप कंपनी है, जिसकी वार्षिक राजस्व जो है 2021-22 की बात करें तो 19,381 करोड़ रुपए, और नेट लाभ की बात करें तो 1,087 करोड़ रुपए इसकी नेट लाभ है। इससे यह भारत में CPSE के नवरत्न कंपनियों में 13वां स्थान, यानी कि नवरत्न कंपनी कितनी हो गई है, तो 13 नवरत्न कंपनी हो गई है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नवरत्न भारत में कुछ चुनी हुई कंपनियों को भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक स्थिति है। नवरत्न क्या है, एक स्थिति है, नवरत्न मिनी रत्न और महारत्न एक तरह की स्थिति है। नवरत्न जो है CPSE कंपनियों, वे कंपनियां होती हैं जो स्थापित हो चुकी हैं, लाभदायक होती हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यानी कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरे दोस्त तो भारतीय यानी कि इंडियन इकोनॉमी पर इफेक्ट डालेगी, इंडियन इकोनॉमी को भी बढ़ाएगी। इस तरह से इस चीजों को आप समझेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त, तो हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? साइकिलिंग जो महासंघ है मेरे दोस्त, उसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। साइकिलिंग मतलब आप समझ सकते हैं जो आपकी साइकिलिंग होती है, जो आप साइकिल चलाते हैं उसे साइकिलिंग कहते हैं। साइकिलिंग में अलग अलग तरह के रेस भी होते हैं मेरे दोस्त, तो उसके महासंघ के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? उसके महासंघ के अध्यक्ष बने हैं पंकज सिंह। कौन बने हैं मेरे दोस्त? पंकज सिंह जो है साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर देखेंगे मेरे दोस्त क्या है, यूनियन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं कौन? यूनियन जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह के बेटे कौन है? ये राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने नैनीताल में आयोजित वार्षिक संघ शरीर बैठक में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में बिना विरोध के चुनाव जीता है। यानी कि अध्यक्ष के रूप में कौन चुन लिए गए हैं? तो राजनाथ सिंह के बेटे जो है पंकज सिंह, ये चुन लिए गए हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मनिंदर पाल सिंह जो है दूसरी बार सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी कि अध्यक्ष की बात करें मेरे दोस्त, अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं पंकज सिंह। अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं पंकज सिंह। और अगर बात करें मेरे दोस्त सचिव कौन बने हैं? सचिव बने हैं मेरे दोस्त, सचिव की बात करें सचिव कौन बने हैं? तो मनिंदर सिंह जो है, मनिंदर सिंह जो है मेरे दोस्त, मनिंदर सिंह जो है सचिव बने हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मेरे दोस्त कोषा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कोषा अध्यक्ष की बात करें, कोषा अध्यक्ष कौन बने हैं मेरे दोस्त? कोषा अध्यक्ष की बात करें कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुदीश कुमार। कौन बने हैं? सुदीश कुमार बने हैं कोषा अध्यक्ष। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें मेरे दोस्त साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CFI की, तो भारत में साइकिलिंग खेल के राष्ट्रीय नियामक संगठन है। यानी कि यह एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में साइकिलिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने, विकसित करने और व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि यह जो संगठन है मेरे दोस्त साइकिलिंग को बढ़ावा देती है, विकसित करने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो है कंपनी कौन सी, सॉरी ये जो कंपनी आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है यह जिम्मेदार है। अगर बात करें मेरे दोस्त इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। स्थापना कोई हुई थी मेरे दोस्त? स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और मेरे दोस्त जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसमें कौन कौन सा होता है? आपका रोड रेस हो गया, ट्रैक साइकिलिंग हो गई, माउंटेन बाइकिंग हो गया, इस तरह की चीजों को ये कौन करवाता है, इवेंट्स कौन करवाता है? ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के इवेंट्स करवाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये चुने गए हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वन अर्थ वन हेल्थ के संस्करण को, यानी कि कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? यानी कि जो आपका वन अर्थ वन हेल्थ नामक संस्करण है, कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है मेरे दोस्त छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। कौन से संस्करण है? वन अर्थ और वन हेल्थ। कौन सा है? वन अर्थ और वन हेल्थ नामक संस्करण का उद्घाटन किया गया है जो कि छठे नंबर का यानी कि 6th नंबर का संस्करण है। कौन से नंबर का संस्करण है मेरे दोस्त? 6th एडिशन। कौन सा है? 6th एडिशन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर देखेंगे, हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर, और ये कहाँ किया है मेरे दोस्त? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में मेरे दोस्त, और कौन से प्रगति मैदान पर, कहाँ पे? प्रगति मैदान पर इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और एडिशन की बात करें, छठा संस्करण है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन शामिल हुआ मेरे दोस्त? इसमें जो है दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, यानी कि वह हेल्थ के लिए है मेरे दोस्त। यह तो शामिल कौन होगा मेरे दोस्त? तो हेल्थ मंत्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। किस किस देश के थे? पश्चिम एशिया, सार्क, आसियान और जो है अफ्रीकी क्षेत्रों से प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्या बोला संबोधन में, यानी कि मोदी जी ने इसमें क्या बोला कि पीएम मोदी ने बोला कि मानव कल्याण के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा और एक स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र के महत्व पर जोर दिया जाए। यानी कि सभी जगह स्वास्थ्य पहुंचे और स्वास्थ्य एक ही हो, यानी कि एक ही बस काम हो, क्या हो कि स्वास्थ्य जो है हर किसी का सही हो, हर किसी के स्वास्थ्य की सुविधा हर किसी को मिले, यह पीएम मोदी जी का कहना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे,
तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को कितने साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैक्से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि एक पुरस्कार है मेरे दोस्त, कौन सा है? रेमन मैक्से पुरस्कार है। इस चीज से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया। यह कौन है? यह बौद्ध गुरु है। कौन है मेरे दोस्त? यह बौद्ध गुरु है। बौद्ध गुरु है, कहाँ के हैं ये? तिब्बत के हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कब सम्मानित किया गया मेरे दोस्त, यानी कि कितने साल बाद सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया मेरे दोस्त कितने साल बाद? यह 64 साल बाद सम्मानित किया गया। कितने साल बाद मेरे दोस्त? 64 साल बाद सम्मानित किया गया। इसका मतलब क्या है कहने का? ये जो आपका रेमन मैग्से पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैग्से पुरस्कार जो है मेरे दोस्त, रेमन जो है, मैग्से पुरस्कार जो है, पुरस्कार जो है मेरे दोस्त, यह जो है इसके लिए नामित कब किया गया था? इन्हें 1959 में नामित कर लिया गया था। यानी कि देना कब था? देना था 1959 में। दिया कब किया गया मेरे दोस्त? दिया कब गया? दिया गया 2023 में। अब ऐसा क्या हुआ मेरे दोस्त, दिया जाना था 1959 में, इन्हें दिया गया 64 साल बाद 2023 में। ऐसा क्या हो गया? ऐसा आपको पता है मेरे दोस्त कि जो तिब्बत है उस पर किसने कब्जा कर लिया? चीन ने कब्जा कर लिया। और चीन की वजह से ये इन्हें भागना पड़ा तिब्बत छोड़ करके, और भाग करके कहाँ आए? भारत में भाग करके आए, जिसकी वजह से ये तिब्बत वापस नहीं जा सके इस पुरस्कार को लेने के लिए। तो हाल ही में जो है ये पुरस्कार देने वाले मेरे दोस्त खुद ही आकर के भारत में मेरे दोस्त, ये हैं दलाई लामा। इन्हें पुरस्कार दिया गया, यानी कि 64 साल बाद जो है इन्हें पुरस्कार मिला, रेमन मैक्से पुरस्कार। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें मेरे दोस्त, यह किस लिए दिया जाता है? यह किस लिए दिया जाता है मेरे दोस्त? जो अपने समुदाय है, यानी कि जो इनका समुदाय है, यानी कि ये बौद्ध है, तो उसके लिए संघर्ष करने के लिए और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया इन्हें। इसके लिए कि इनके समुदाय की, यानी जो तिब्बती समुदाय है, उसके लिए संघर्ष करने के लिए और तिब्बती संस्कृति को बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार, रेमन मैक्से पुरस्कार इन्हें दिया गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर बात करें मेरे दोस्त, यह जो पुरस्कार है तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने के लिए और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए यह दिया गया, उन्हें इस अवार्ड के लिए 1959 में चुना गया था। लेकिन जो है मेरे दोस्त, तब चीन की वजह से वह जो है तिब्बत से भाग करके भारत आ गए थे, इस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। अब क्या हुआ मेरे दोस्त कि अब 64 साल के बाद जो है रेमन मैग्सेसे की टीम जो है दलाई लामा को हिमाचल स्थित उनके घर पर, यानी कि कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, यह जो है खुद देने आई। कौन? रेमन मैग्सेसे की पुरस्कार वाली टीम जो है खुद इन्हें देने आई। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और जो है दलाई लामा को दिया जाने वाला यह पहला इंटरनेशनल अवार्ड था। दलाई लामा को दिया जाने वाला यह पहला इंटरनेशनल अवार्ड था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर बात करें मेरे दोस्त, इस पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो रेमन मैग्से अवार्ड जो है, पुरस्कार जो है, फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति जो है रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है मेरे दोस्त? यानी कि फिलीपींस के एक सातवें नंबर के राष्ट्रपति थे, सातवें क्रम की, नाम क्या था? रेमन मैग्सेसे, उनके याद में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो है स्थापना 1957 में की गई थी। किसकी स्थापना? यानी कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड की है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करता है उसे इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। यानी कि आपके सामाजिक सुधार क्षेत्र में जो भी इस काम को अच्छा करता है, यानी कि जो समाज सुधार के लिए काम करता है, उसे इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जो आपका मेरे दोस्त कौन सा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है मेरे दोस्त। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, इसे जो है मेरे दोस्त एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहते हैं मेरे दोस्त? एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, नोबल पुरस्कार कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? तो रेमन जो है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? यानी कि जो भारत है मेरे दोस्त, वह किस देश के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन, यानी कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है जीरो करने का काम, यानी कि उसको इनोवेशन को जीरो बनाने का काम, वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किस देश के साथ की है? स्पष्ट की है मेरे दोस्त, यूके के साथ में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ में किया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। किसके साथ में साझेदारी किया है भारत ने? तो जो है यूके के साथ में साझेदारी किया है, यानी कि यूके के साथ में ये जो है
कौन सा है, नेट जीरो इमेशन, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने के लिए क्या किया है, घोषणा किया है यूके और भारत ने मिलकर के, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें मेरे दोस्त यूके की, अगर बात करें मेरे दोस्त यूके की राजधानी, मैंने आपको बताया था क्या है, लंदन यहाँ की राजधानी है, क्या है, लंदन यहाँ की राजधानी है। अगर बात करें मेरे दोस्त यहाँ की मुद्रा कौन सी है, अगर करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, क्या है, पाउंड स्टर्लिंग मेरे दोस्त यहाँ की करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। अगर बात करें यहाँ के पीएम कौन है, पीएम है यहाँ के ऋषि सुनक, कौन है मेरे दोस्त, ऋषि सुनक जो है, ऋषि सुनक जो है मेरे दोस्त यहाँ के पीएम है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया, यह घोषणा जो है भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान की गई, जिसकी अध्यक्षता सिंह ने की और ब्रिटेन के विज्ञान मंत्री जॉर्ज फ्रीजन ने भाग लिया, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर बात करें नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर दोनों देशों के हितधारकों के बीच जो है विनिर्माण प्रक्रियाओं और परिवहन प्रणालियों के डीकार्बोनाइजेशन, यानी कि किसकी बात करेंगे, डीकार्बोनाइजेशन और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फोकस क्षेत्रों पर काम करने के लिए सहयोग की सुविधा कौन प्रदान करेगा, आपका नेट जीरो इनोवेशन प्रोजेक्ट आपका काम करने वाला है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यूके की राजधानी लंदन, अगर मुद्रा की बात करें पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे, ऋषि सुनक। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही था मेरे दोस्त, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट खबरें आज की थी वो मैं आपके सामने लाया था। उम्मीद करता हूँ सारी खबरें आप याद रखेंगे और आपको हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कुछ मैंने आपको खबरें बताई हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको हर कमेंट का आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द मेरे दोस्त नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा।